हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ नीर, आपका स्वागत है होम गार्डनिंग नीर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हाउ टू सेव डाइंग स्पाइडर प्लांट। जो स्पाइडर प्लांट मरने वाला हो उसे हम कैसे बचाया जा सकता है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये स्पाइडर प्लांट सूख गया है, मरने वाला ही है। और इसको जो खाना देने वाला जो पाइप है वो ड्राई हो गई है, तो इसीलिए इसको खाना नहीं दे पा रहा था, इसीलिए ये मरने वाला था। सो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बचाएंगे इस स्पाइडर प्लांट को। सो मैंने इसे तोड़ ली है, ये देखिए पूरी सूख गई है, पत्ते सूख गया है, ये आप देख सकते हो। मैंने ड्राई पत्ते हटा दिए हैं, तो इस तरह से दिख रहे हैं अभी स्पाइडर प्लांट। ये देखिए रूट्स भी सूख गए हैं, पत्ते भी मुरझा गए हैं। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ आप लोग देखना, ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी है, आप लोग भी कर सकते हो। सो ये देखिए मैंने एक पौधा को सेपरेट कर ली है, उसके बाद आप इस स्पाइडर प्लांट को पानी में रख दीजिए। फ्रेंड्स, ये स्पाइडर प्लांट 2 हफ्तों तक सूखा हुआ था। सो अभी मैं इसे बचाने जा रही हूँ। कुछ इस तरह से आप रख दीजिए पानी में। ये हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए पत्ते सूख गए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम वेट करेंगे कुछ दिन तक, जब तक ये पत्ते फ्रेश नहीं हो जाते। ये देखिए और ये 5 दिन बाद आप देख सकते हो, 5 दिन बाद ये ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए नए पत्ते भी आ गए हैं 5 दिन में ही, है ना, बहुत ही आसान। सो आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपके स्पाइडर प्लांट मरने वाला हो तो आप इस तरह से अपने स्पाइडर प्लांट को सेव कर सकते हो। और फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट पानी में भी ग्रो करता है, पानी में भी ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। सो टेंशन की कोई बात नहीं है। और ये देखिए नए रूट्स भी आ गए हैं वाइट वाइट कलर में, जो वाइट वाइट कलर देख रहे हैं वो नई रूट्स है, मतलब रूट्स डेवलप हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हो गए हैं ना बिल्कुल फ्रेश। ओके बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।